अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं आपका होस्ट रोहतम और आप देख रहे हैं नया कल न्यूज़ आईटी मुल्तान। डिवीजनल इंतजामिया ने स्क्वाश के फ़रोग के बारे अमली इकदामात का आगाज़ कर दिया। कमिश्नर मुल्तान जुवेद अख्तर महमूद ने मुल्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का दौरा किया और स्क्वाश कोर्ट की तमीर की जगह फाइनल कर दी। उन्होंने हदायत की कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए 2 स्क्वाश कोर्ट बनाए जाएँ। डिवीजनल स्पोर्ट्स अफसर फिजिबिलिटी रिपोर्ट कमिश्नर ऑफिस जमा करवाए। कमिश्नर जुवेद अख्तर महमूद ने कहा कि वतन अजीज़ ने नस सदी से जायद आलमी स्क्वाश पर अपनी हुक्मरानी कायम रखी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बगैर स्क्वाश की तारीख नामुकम्मल है। खेलों की दुनिया का पहला आजाद स्क्वाश ने पाकिस्तान को दिलवाया, मगर बदकिस्मती से हालिया बरसों में स्क्वाश पाकिस्तान में जवाल पजीर है। इस खेल के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करके इनको आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए स्क्वाश कोर्ट बनाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर को स्क्वाश कोर्ट बनाने का भी टास्क दे दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नौजवानों को मुनासिब प्लेटफॉर्म और सहूलियात फराहम करके स्क्वाश की दुनिया में खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल किया जा सकता है। कमिश्नर ने ज़िले इंतजामिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ज़ेर तमीर मस्जिद और फुटबॉल ग्राउंड पवेलियन का भी जायज़ा लिया। डिवीजनल स्पोर्ट अफसर राना नदीम अंजुम, ज़िले स्पोर्ट्स अफसर अदनान नईम ने तरक्याती स्कीमों बारे ब्रीफिंग दी।